क्यों बढ़े हैं? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। स्टार दीजिएगा और लिखना शुरू करिएगा। जब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनर दो तरह के होते हैं, पार्टनर दो तरह के होते हैं। पार्टनर आए वो पार्टनर दो तरह के होते हैं। पहला लिखिएगा एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। और दूसरा लिखिएगा इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर। पहला लिखेंगे एक्टिव पार्टनर, किसको कहेंगे? लिखिए एक्टिव पार्टनर में लिखिएगा जो पार्टनर पूंजी के साथ साथ, पूंजी लगाने के साथ साथ जो पार्टनर पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी करे, जो पार्टनर पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी करे उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी करे एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। दूसरा लिखेगा इनएक्टिव पार्टनर, जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाए, जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाए उसे उसे इनएक्टिव पार्टनर कहेंगे। अनिल ले जाइए मोबाइल। तो चालू रहने दीजिएगा। क्या लिखे हैं? जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाए उसे क्या कहेंगे? इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यापार में पूंजी लगाते हैं और काम भी करते हैं। मान लीजिए कोई दो आदमी मिलकर हीरो होंडा कंपनी का एजेंसी ले लिया, और उसमें एक ऐसा होगा जो वहां पर बैठ के काम भी करेगा देखेगा, और एक ऐसा होगा जो पूंजी लगाने वाला आदमी हो उसका बहुत बिजनेस है, उसमें कुछ पूंजी अपना लगा दिया और वो वहां रहता नहीं है। बात आ रहे समझ में? तो क्या होगा उसमें एक्टिव पार्टनर किसको कहेंगे? देखभाल भी कर रहा है, पूंजी लगाने के साथ साथ देखभाल कर रहा है, वो एक्टिव पार्टनर हुआ। और जो पूंजी लगाए
देखभाल नहीं करे तो हो गया इनएक्टिव पार्टनर। तो पार्टनर दो तरह के। अब देखिए एक बात और समझ लीजिएगा कि कुल लाभ में से सबसे पहले, कुल लाभ में से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को निकाल दिया जाएगा और शेष लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपया लाभ हुआ महीना में, आमदनी आया उस काम से, तो सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को निकाल दिया जाएगा। जो वर्कर है उसमें काम कर रहा था तो उसका मजदूरी पहले, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बांटेगा दोनों पार्टनर पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। इसका सेंस ये है पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात, कि अगर आपने पूंजी ज्यादा लगाया हो और हमने पूंजी कम लगाया है तो आपको लाभ ज्यादा मिलना चाहिए और हमको, तो समय भी देखना पड़ेगा। हो सकता है मेरा कम ही पूंजी लेकिन आपसे बहुत ज्यादा समय के लिए लग गया हो, पता है समझ में, तो उस स्थिति में हमको लाभ ज्यादा भी हो सकता है। पूंजी भले ही कम था लेकिन समय ज्यादा दिनों के लिए लग गया मेरा पूंजी। तो कभी भी स्टार में लिखिए, स्टार देकर लिखिएगा, कुल लाभ में से, कुल लाभ में से, कुल लाभ में से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के कुल लाभ में से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर के मजदूरी को निकाल दिया जाएगा और शेष लाभ को, और शेष लाभ को पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में, शेष लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। शेष लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। अब देखिए जिला, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी गुने समय होता है, ठीक ना, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, यह होगा लाभ का रेशियो। लिख लिया जाए लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात होता है पूंजी गुने समय। किसका पूंजी कितने दिन, किसका पूंजी कितने दिन रहा, ये गुना करेंगे पूंजी और समय को तो उसका लाभ का रेशियो होगा। अब चलिए स्टार दीजिएगा, लिखिएगा और टू पार्टनर, और टू पार्टनर यानी दो पार्टनर के लिए फॉर्मूला है सीए गुने टीए बट्टा सीबी गुने टीबी बराबर पीए बट्टा पीबी। चलिए लिखा है सीए गुने टीए बट्टा सीबी गुने टीबी बराबर पीए बट्टा पीबी फॉर टू पार्टनर। जब दो पार्टनर का चर्चा होगा सवाल में एक फॉर्मूला जरूर लगाइएगा, इस फॉर्मूला पर सवाल बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीए का मतलब यहां पर ए और बी दो पार्टनर है, ठीक ना, जहां जहां ए है वहां ए मतलब आदमी का किसी का नाम कोई पार्टनर और बी है दूसरे का व्यक्ति। उसके बाद आप समझ लीजिए ए और बी तो दो पार्टनर हुआ, यहां पर ए और बी क्या है, सी मतलब कैपिटल यानी पूंजी, टी मतलब टाइम यानी समय, टी माने प्रॉफिट यानी लाभ, फिर सी का मतलब कैपिटल यानी पूंजी, टी का मतलब टाइम, बी का मतलब, तो याद नहीं समझिए, सी ए का मतलब ए का पूंजी यहां रखना है
टी ए का मतलब ए का टाइम यहां रखना है, और पी ए का मतलब ए का प्रॉफिट यहां रखना है, सी बी का मतलब बी का पूंजी यहां रखना है, और टी बी का मतलब बी का टाइम यहां रखना है, और पी बी का मतलब, तो इसमें से कोई एगो गायब रहेगा, एक दो तीन चार पांच छह, बात है समझ में, तब कोई चीज एगो गायब रहेगा एक टर्म उसमें से निकल जाएगा दो पार्टनर में से। मान लीजिए कह देगा दोनों के पूंजी 3:5 में, तो ए का पूंजी यहाँ 3 रख देंगे, बी का पूंजी यहाँ 5, दोनों के समय का अनुपात है 7:2, तब कहेगा कि लाभ का अनुपात क्या हो गया। अगर मान लो पूंजी 3:5 में, तो ए का पूंजी 3, बी का पूंजी 5, और समय है 7:5 में, मान लो ए का समय 7 और बी का 5, तब पूछ सकता है कि दोनों के प्रॉफिट आता है समझ में, रेशियो क्या हो गया, बस हो गया सत्य 21/25 हो गया उसके लाभ का रेशियो, आता है समझ में। अब आ जाइए दो पार्टनर के लिए, सी ए गुने टी ए बटा सी बी गुने टी बी बराबर बी ए बटा टी बी, और ध्यान रहे चला पार्टनरशिप का 50% क्वेश्चन बस ये से बनेगा, दो पार्टनर वाला ही सवाल अधिकतर होता है, और ये 50% क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मूला से खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप का, सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बट्टा बी। अब चलिए मोर देन टू पार्टनर, अगर दो से अधिक पार्टनर हो तो मोर देन टू पार्टनर, दो से अधिक पार्टनर के लिए कुछ नहीं, ध्यान दीजिए अगर मान लो ए बी सी है, ठीक है दो से अधिक हो गया, डी हो सकता था, तो इसके लाभ का रेशियो जो होगा यहां सी ए गुने टी, लो सी ए गुने मतलब ए का कैपिटल ए का टाइम अनुपात सी बी गुने टी बी यानी बी का कैपिटल बी का टाइम गुना हो गया। अब सी सी नहीं सी सी गुने टी सी, ठीक है यानी सी का कैपिटल सी का टाइम, और डी रहता तो फिर डी का पूंजी या डी का टाइम, ई रहता ई का पूंजी ई का टाइम, यह होता लाभ का रेशियो। आप रेशियो रेशियो पर क्वेश्चन प्रभो किए हैं, लाभ निकलेगा रुपया में लाभ देने रहेगा, यहां से अनुपात में लाभ निकलेगा, फिर वहां से रियल में लाभ रहेगा, तो सब निकलेगा। चलिए इसको लिखा जाए, चल रहा है क्या भाई, आ जाइए इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टार दीजिएगा और लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा, पूंजी और समय के गुणन फल का, पूंजी और समय के गुणन फल का रेशियो, पूंजी और समय के गुणन फल का रेशियो लाभ के रेशियो को दर्शाता है। नोट में लिख दीजिए रेशियो, पूंजी और समय के गुणन फल का रेशियो लाभ के रेशियो को दर्शाता है। पूंजी और समय के गुणन फल का रेशियो लाभ के रेशियो को दर्शाता है, ठीक है वही बात लिखे थे हम लोग, पूंजी और समय गुना किए थे ना, हो गया किसका रेशियो लाभ का रेशियो। देखिए जिला क्या कहेगा, कहेगा कि दो आदमी है ए और बी, उनके पूंजी का अनुपात है 3:5, और कह देगा उसका पूंजी रहता है एगो का 4 महीना एगो का 3 महीना व्यापार में,
लाभ को किस अनुपात में बांटेगा? सहारा बस चार दिया ही, पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो लाभ के रेशियो को दर्शाएगा। तीन पचे पंद्रह कट जाएगा, तीन चौके बारह, तीन पचे चार अनुपात पांच में हो गया उसका लाभ का रेशियो। सवाल कह देगा कि दो पार्टनर ए और बी है जिनके पूंजी का अनुपात तीन अनुपात पांच है और उनका टाइम है चार अनुपात तीन में। हो सकता है वो चार महीने के लिए, वो तीन महीने के लिए, वो चार साल के लिए, वो तीन साल के लिए लगाया हो। चले अब एक बात समझना है, अगर अगर किसी व्यापार में मान लीजिए ए दो बटा पांच भाग लाभ का दावा करता है, ऐसे बोलेगा, ये क्या करता है? दो बटा पांच भाग लाभ का दावा करता है, दावा करता है। इसका मतलब किसी व्यापार में एक दो बटा पांच भाग लाभ का दावा करता है, सवाल ऐसे बोलेगा। तो अब रेशियो क्या समझिएगा, मान लो ए और बी दो पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर था और ए दावा करता है कि मेरा दो बटा पांच भाग लाभ होगा, तो दो बटा पांच भाग लाभ होने का मतलब इसके लाभ का रेशियो हुआ ए का, तो पांच में से दो है ए का, तीन हुआ किसका? दो अनुपात तीन हुआ लाभ का रेशियो, न कि लिख दीजिएगा दो अनुपात पांच। बात आए समझ में? वो दो अनुपात पांच कब लिखाएगा? जब कहता कि ए का लाभ बी के लाभ का दो बटा पांच है, ऐसा बोला जाए ए का लाभ बी के लाभ का दो बटा पांच माने दो अनुपात पांच। लेकिन यहाँ कहेगा ए जो है दो बटा पांच भाग लाभ का दावा करता है, मतलब कि कहता है कि हमारा पांच गो में से दो गो हमर लाभ है, तब पांच गो में से दो गो है ए का, तब बचा कै गो? तीन गो होगा किसका? अब यहाँ पर फिर ए का भाग निकाल सकते हो, ए का भाग होगा कितना? दो, कुल कितना में हुआ कि नहीं? और बी का भाग है कितना? बी का भाग है तीन, कुल कितना में? पांच। ऐसे कह सकते हैं नहीं? तो अब काट के भी देख सकते हो, फिर यहाँ रखे कि ए का है ना दो बटा पांच अनुपात, बी का है ना तीन बटा पांच, पांच से पांच किया ना, हो गया ना दो अनुपात तीन। बात आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो दिमाग खराब हो गया, डिलीट हो गया, समझे ना, वीडियो बना लीजिए अपलोड कर रहे थे तो कहा कि इतना जीबी नहीं है आपके पास, तो जब हम सोचे कि गैलरी में से सब डिलीट कर देते थे, गैलरी में डिलीट किए तो जो वीडियो बना लेते वो अपने मन में बहुत गुस्सा आया, मान किया कि मोबाइल आगे क्या लिखना है? चलिए अब लिखना नहीं, किताब निकालिए। किताब में लगा आइए आपका क्वेश्चन देखिए, चला पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप में ए और बी संयुक्त रूप से व्यापार, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में पांच अनुपात छह के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, आठ महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है, यदि दोनों को पांच अनुपात नौ के अनुपात में लाभ मिला है तो बताएं कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। अब चलिए ध्यान देना, सवाल आपसे कहता है कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में पांच अनुपात छह के अनुपात में पूंजी निवेश करता है, ए और बी जो है ना पूंजी लगाया है पांच अनुपात छ, ठीक है, उसके बाद कहता है आठ महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लिया, यदि दोनों को पांच अनुपात नौ के अनुपात में लाभ मिला
दोनों के लाभ का अनुपात कितना है? 5:9। अब सवाल कहता है बताएं कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। अब ध्यान देना है वही फॉर्मूला सी ए गुणे टी ए बटा सी बी गुणे टी बी बराबर टी ए बटा पी बी। याद रहेगा, यहाँ से निकलिएगा घर तक रटाइए जाइएगा, अब ध्यान दीजिएगा पूंजी का यहाँ रेशियो 5:6 में, और 5:6 हो गया, ए का पूंजी 5 और बी का पूंजी, सी बी का मतलब बी का कैपिटल। अब चलो यहाँ ए समय, ए का समय दिया हुआ 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी निकाल लेता है ए। अरे 8 महीना बाद ना निकालेगा, 8 महीना तक तो पूंजी ओकर व्यापार में रहबे किया। 8 महीना रहा एकर पूंजी, एकर रहा कई महीना तू निकलेगा, समझा कि नहीं? सवाल क्या पूछा वो छोड़ दो, इसका पूंजी रहा 8 महीना, इसका पूंजी रहा कई महीना, ये निकलेगा। अब यहाँ दोनों का लाभ लिखा जाएगा, तो ए का लाभ 5 और बी का लाभ 9। अब काट कुट कर सकते हैं, चलिए 5 से 5 कट गया, और 3 से 2 बार में तो 3 से 3 दिया, अब 2 चौका 4 दिया, यानी इसका पूंजी रहा 12 मन, उसका रहा 8 महीना, इसका रहा 12 महीना। क्या पूछा है सवाल?